अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक इज कैपेसिटर्स इन सीरीज। हाँ जी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस टॉपिक में हमने कैपेसिटर इन पैरेलल पढ़ा था, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर्स की प्लेट के दरमियान सेम होता था और चार्ज क्या होता था, डिफरेंट होता था। लेकिन सीरीज में इसका उल्ट होगा। इसमें जो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और लेकिन जो चार्ज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज। इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। तो यहां पर देखें, एक कैपेसिटर हमने ये लगाया हुआ है, एक ये लगाया हुआ है और एक ये लगाया हुआ है। तो साइड बाय साइड लगाए हुए हैं सीरीज में, एक ही लाइन में। तो ये कैपेसिटर वन, ये टू और ये थ्री। इसकी कैपेसिटेंस सी वन है, इसकी कैपेसिटेंस सी टू है और इसकी कैपेसिटेंस सी थ्री है। तो इन दिस वे कैपेसिटर आर एडेड साइड बाय साइड। द राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ नेक्स्ट कैपेसिटर। हाँ जी, इसकी राइट प्लेट जो है, ठीक है, ये वाली राइट प्लेट है पहले कैपेसिटर की, ये दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड है। फिर इसकी जो हमारे पास राइट प्लेट होगी वो नेक्स्ट के साथ, लेफ्ट के साथ। तो इस तरह से ये कनेक्टेड है कैपेसिटर्स हमारे पास। तो ये हमारे पास कैपेसिटर्स जो के कनेक्टेड हैं, कि एक कैपेसिटर की जो राइट प्लेट होगी दूसरे कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ कनेक्टेड होगी। हाँ जी, इस कैपेसिटर की हमारे पास जो राइट प्लेट है, राइट साइड, वो लेफ्ट कैपेसिटर उसके साथ कनेक्टेड है। ये हमारे पास राइट, ये लेफ्ट के साथ, तो साइड बाय साइड कनेक्टेड है ये नेक्स्ट कैपेसिटर। आप इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें सिमिलर वे में, जैसे हमारे पास पैरेलल प्लेट पैरेलल कैपेसिटर्स की थी, वैसे ही सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें, ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज। तो यहां पर देखें, ये बैटरी हमारे पास, ये की पॉइंट होगा, ऐसे मूव करेंगे तो चार्ज इन तमाम के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू इंजेक्शन पॉजिटिव है, तो यहां पर नेगेटिव, नेगेटिव है इसके ऊपर, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर इसके ऊपर नेगेटिव, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर इसके ऊपर नेगेटिव। तो म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन के अकॉर्डिंग एक के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। तो इसके जो पॉजिटिव होंगे वो फॉरवर्ड बैटरी जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर देगी उनको। सेम चार्ज होगा इफ द बैटरी सप्लाइज क्यू पॉजिटिव चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर सी वन। तो यहां पर देखें, सी वन को अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगी तो इंडक्शन की वजह से उसकी राइट प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमें पता है अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। द कैपेसिटर सी वन ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज इज ऑन प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ सी टू। सी टू की फिर ये पॉजिटिव हो जाएगी। वही बात बता रहा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव, फिर आगे फिर पॉजिटिव होगा सी टू के ऊपर, फिर उसकी दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव इंडक्शन की वजह से। अब चार्ज, क्योंकि पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में से बता दिया सेम है, क्यू वन इज इक्वल टू क्यू टू इज इक्वल टू क्यू थ्री इज इक्वल टू क्यू, मतलब इसके ऊपर भी क्यू चार्ज होगा, इसके ऊपर भी क्यू और इसके ऊपर भी चार्ज सेम है, क्योंकि पाथ वन है, ओनली एक ही पाथ है चार्जेस को फ्लो करने के लिए। तो तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर सेम चार्ज होगा, एक जैसा चार्ज होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। सी वन, सी टू, सी थ्री, तीनों कैपेसिटेंस डिफरेंट है, तो इनके ऊपर पोटेंशियल का डिफरेंस, इन दो प्लेट्स के दरमियान कुछ और होगा, इनके दरमियान कुछ और होगा, इनके दरमियान कुछ और होगा, क्योंकि पहली को तो पूरे वोल्टेज मिलेंगे जितने बैटरी के वोल्टेज हैं, दूसरे को फिर उससे कम मिलेंगे, तीसरे को उससे कम मिलेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। वोल्टेज ऑफ बैटरी हैज बिन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। बैटरी की जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी। पैरेलल में सेम मिलता था वोल्टेज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे, यहां पर
चार्ज सेम मिलेंगे तमाम कैपेसिटर्स को, लेकिन पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वी वोल्टेज, जो बैटरी के वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो वी जो है बैटरी का वोल्टेज वी वन वी टू वी थ्री हमें पता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी निकालें, क्यू ओवर सी इज इक्वल टू वी। अगर वी वन होगा तो सी वन होगा, ठीक है, इसी तरह से वी टू होगा तो सी टू, वी थ्री होगा तो सी थ्री। तो वी वन की जगह पे क्यू ओवर सी वन, वी टू की जगह पे क्यू ओवर सी टू, वी थ्री की जगह पे क्यू ओवर सी थ्री। क्या चीज़ सेम है, चार्ज सेम है, तो चार्ज क्यू बाहर ले लें, वी इज इक्वल टू क्यू, वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री। ये चार्ज इधर डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, वी ओवर क्यू इज इक्वल टू वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री। वी ओवर क्यू किसके इक्वल होता है, इसी इक्वेशन से निकालें, वी ओवर क्यू, तो इसका मतलब है क्यू इधर आएगा, सी इधर आएगा, वन ओवर सी इज इक्वल टू वी ओवर क्यू। गौर करेंगे वी ओवर क्यू किसके इक्वल है, वन ओवर सी के। वी कैन रिप्लेस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विद वन इक्विवेलेंट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट। अब तमाम कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वन ओवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री, क्योंकि तीन कैपेसिटर है, वन टू एंड थ्री। इसी तरह से एन कैपेसिटर्स हो तो एन कैपेसिटर के लिए ये फार्मूला बनेगा हमारे पास, वन ओवर सी इक्विवेलेंट, वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू, वन ओवर सी थ्री, वन ओवर सी एन। अब बच्चे यहां पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जैसे प्रीवियस पैरेलल में डिस्कस किया था, यहां पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो सीरीज कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो एनी ऑफ इंडिविजुअल से ग्रेटर होगी या फिर स्मॉलर। पैरेलल में होती थी सी इक्विवेलेंट ग्रेटर एनी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वन ओवर, तो यहां पर आप कहेंगे वन ओवर सी इक्विवेलेंट इज लेस देन वन ओवर सी वन। तो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के सीरीज इन सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज स्मॉलर देन एनी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और पैरेलल में क्या था, लार्जर था। तो वन ओवर सी इक्विवेलेंट इज लेस देन वन ओवर सी वन, वन ओवर सी टू या फिर वन ओवर सी थ्री, स्मॉलर होगी। इसकी सेम मिसाल यूँ ले सकते हैं, अगर कि वन ओवर ट्वेंटी, हम सपोज करते हैं कि ट्वेंटी माइक्रो जो से ना फैरेड कैपेसिटेंस है उसकी, ये लेस देन होगा वन ओवर टू से। मैंने सपोज किया कि सी टू जो है वन वो टू है, इसी तरह से वन ओवर ट्वेंटी लेस है वन ओवर टू से, अगर उसकी थ्री है, तमाम को ऐड अप करने के बाद ये एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। तो ये आप लोग अभी एमसीक्यूज के तौर पर इसको रेडी करेंगे कि जो सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एनी ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होती है, स्मॉलर होती है, और पैरेलल में क्या होती है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लार्जर होती है। अल्लाह हाफिज़।